सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस एक और नए मेरे साथ। तो गाइस आज हम इस टाइप का फोटो एडिट करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप लोग ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी इसमें PNG स्टॉक्स और प्रीसेट, ठीक है, इसमें प्रीसेट भी है गाइस, ठीक है। तो इसमें जो भी मैं प्रीसेट यूज़ किया हूँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर आप प्रीसेट और PNG डाउनलोड कीजिए, और इस टाइप से भाई फोटो का एडिटिंग जो है उसका प्रोसेसिंग मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ गाइस सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक तो पहुंचता रहे। और आप लोग ऐसा सब फोटो एडिट करते रहिए और इंस्टाग्राम फेसबुक अदर किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहे, और आपको भी ढेर सारा लाइक्स एंड व्यूज़ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक फोटो ले लेना और उस फोटो को शेयर कर लेना है आपको लाइटरूम ऐप में। तो फिलहाल मैंने अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में शेयर कर लिया है। उसके बाद आपको एक प्रीसेट का जरूरत पड़ेगा, जो प्रीसेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाइए, सबसे पहले हम एक प्रीसेट चाहिए, उस प्रीसेट पे चलते हैं, फिर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ध्यान रहे कॉपी सेटिंग, उसके बाद सही के निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने फोटो पे आ जाना है। तो चल देखो मैंने कॉपी कर ली, फिर आपको अपने फोटो पे फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, और इस बार ध्यान है पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। तो देखिए स्टार्ट जो साइड है उसको ऊपर है पेस्ट सेटिंग, उस पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फोटो जो है लोडिंग लेगा कुछ टाइम, और लोडिंग लेने के बाद से अभी देखिए किस तरह आपका फोटो का बैकग्राउंड कलर जो भी है वो बदल जाएगा। तो देखो उसके बाद से जो वाइट है उसको कम कर लेंगे, और फिर स्क्रॉल करेंगे कंट्रास्ट को और कम कर लेंगे, हाईलाइट जो है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना है इफेक्ट में, यहाँ पर टेक्सचर को बढ़ा लेंगे और क्लियरिटी को कम कर लेंगे, फिर विग्नेट को कम कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सेटिंग्स देख ली, उसके बाद से कलर पे आ जाएंगे, मिक्स पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम जो पर्पल इस पर आएंगे, सैचुरेशन कम कर देंगे। उसके बाद से भाई इस टूल को लेंगे जो आई थिंक ब्लू है, तो आपको सेटिंग्स देख लेना है, और सेटिंग्स जो भी है उसको आपको अपने स्क्रीन फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ताकि आप आगे जो भी फोटो एडिट करो तो आप चाहो तो भाई बिना वीडियो देखे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करना, फिर आपको सेलेक्टिव टूल में आ जाना, प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, और प्लस वाले आइकन में क्लिक करके वो क्या करना है आपको ब्रशेस करना है। तो आपको अपने लिप पे ब्रशेस कर लेना है, जैसे देखो अभी मैं लिप पे अपने ब्रशेस करता हूँ। उसके बाद से आप चाहो तो डायरेक्ट कलर यहीं से यूज कर सकते हो, कलर पर क्लिक कर लेना है, सैचुरेशन एंड टिंट को बढ़ा देना है। उसके बाद आप अपने चश्मे पर भी चाहो तो कलर कर सकते हो बिल्कुल अपने लिप की तरह ही, ठीक है। तो जैसे आप अपने चश्मे पर ब्रशेस करोगे तो देखो ऑटोमेटिक उस पर भी कलर होता जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चाहो तो आप पिंक भी यहाँ से चूज कर सकते हो, चाहो तो ऑरेंज भी रख सकते हो, आपको जो भी पसंद है वहाँ से इस कलर को रख सकते हो, ठीक है। तो अभी देख सकते हो मेरे लिप पे भी और चश्मे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से कलर हो चुका है। तो इतना करने वास्ते सिंपली से आपको डन करके बाइक आ जाना है बाहर में। उसके बाद से आप चाहो तो अगर आप सेटिंग्स और करना चाहो तो कर सकते हो, बट चलो अब इतना रख देते कर, नहीं तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद अब आपको अपने फ़ोटो के यहाँ से शेयर कर लेना है। तो आपको शेयर कहाँ करना है चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जैसे शेयर पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप शो होगा, पॉपअप शो होने के बाद से आपको शेयर कर लेना है आपको अपने पिक्सआर्ट ऐप में, तो सॉरी गाइस स्नैपशीट में शेयर करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्नैपशीट पे क्लिक किया तो पता नहीं क्यों मेरा इंस्टाग्राम खुल गया और इंस्टा पे शेयर होने लगा। तो आई थिंक मुझे नहीं पता यार, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने स्नैपशीट पे ही क्लिक किया था बट मेरा इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो गया था। तो फिलहाल हम फिर से एक बार अपने फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करते हैं। तो यार फिर से ये मेरा लोडिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, बट मैं वीडियो को स्किप नहीं किया हूँ यार, तो डोंट वरी, आप लोग भी बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अब चलते हैं भाई, ढूंढते हैं हमारा कहाँ पे है स्नैपशीट। तो उसके बाद आपको अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है स्नैपशीट ऐप में। तो आपने देखा भाई, वीडियो को पीछे करके भी देख लीजिएगा, मैंने स्नैपशीट पे ही शेयर किया था बट पता नहीं क्यों मेरा इंस्टाग्राम ओपन हुआ था। फिर आपको टूल्स में जाना है, सिलेक्टिव टूल में जाना है, आपको जहाँ पर ब्लैक लगेगा वहाँ पर क्लिक करना है और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, ताकि आपको अपने फेस कलर अच्छी तरीके से हो पाए। तो फिलहाल देख सकते हो मेरे फेस पर अच्छा कलर हो चुका है। उसके बाद आपको पोर्ट्रेट पर आ जाना है, पोर्ट्रेट पर आने के बाद से यहाँ पर आपको चूज करना है स्मूथ टू, आई क्लियरिटी को पूरा 0 कर देंगे, स्किन स्मूथिंग को पूरा बढ़ा देंगे, इन दोनों को 0 कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा फेस भी स्मूथ हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, टूल्स में आना है, लेंस ब्लर पे आ जाना है, लेंस ब्लर पे आने के बाद से आपको नीचे लेंस ब्लर को ला देना है, सिंपली सब पूरा डन कर देना है। फिर आपको शेयर के बगल में व्यू एडिट्स उस पर क्लिक करना है, और लेंस ब्लर पे क्लिक करना है, और पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देना है। इतना करने बाद से आपको क्या करना है, अपने बैकग्राउंड में ब्रशेस करना है, ताकि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर हो सके। तो फिलहाल देख सकते हो अभी हमने फोटो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से, यहाँ पर जहाँ भी मैं ब्रशेस कर रहा हूँ वहाँ पर ब्लर होता जा रहा है।
तो आपको यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से ब्रशेस करना है। अगर आपको अपने बालों पे ब्रशेस नहीं करना है, ड्रेस पे ब्रशेस नहीं करना है, अगर गलती से कहीं हो भी जाए तो उसको रिकवर करने का मैं अभी आपको तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे यहाँ पे कान पे भी थोड़ा सा हो गया है और नीचे ड्रेस पे भी हो चुका है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक तीर का निशान दिख रहा होगा, उसको जीरो कर लेना है, और जीरो करने बस आप ब्रशेस करोगे तो वो वापस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पूरा उसको 100 कर देंगे, और 100 करने बस आप चाहो तो ब्रश कर सकते हो, तो आप फिर से ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने जहाँ जहाँ भी फिर से ब्रशेस किया हो फिर ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। फिर आपको एक तीर का ऊपर निशान दिख रहा होगा बैक का, उस पर क्लिक करना है और बैक आ जाना है। बैक आने वाला आपको अब फिर से यहाँ सबको अपने फोटो को शेयर कर लेना है। तो चलो ऊपर जैसे आप शेयर करके उनमें क्लिक करोगे तो आपने जितने भी टूल्स यूज़ किए होंगे उन सभी टूल्स को एक बार लोडिंग लेगा और आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। उसके बाद फिर आपको अपने फोटो को शेयर कर लेना है। तो अब आपको अपने फोटो को शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। इतना करने बाद से अब जैसे ये पिक्सआर्ट ओपन है फिर आपको आना है इस, अरे भाई स्टिकर्स में आना है और भाई ये वाला स्टिकर को चूज कर लेना है। चूज करने बाद से आपको क्या करना है, आपको उसको अपने बैकग्राउंड के साइज में ऊपर रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके ब्लेंड पे आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफएक्स के बगल में ब्लेंड का आइकन है, उस पर क्लिक करना है, फिर स्क्रीन कर देना। जैसे आप स्क्रीन करोगे तो आपके बैकग्राउंड में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको इरेजर टूल पे क्लिक करना है और जो भी आपके बॉडी पे हॉट्स आए होंगे उन सबको इरेज कर देना है। जो भी आपके हेयर पे आया होगा उन सबको इरेज कर देना है। चलो गाइस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी करके उसको छोड़ देता हूँ। फिर इतना करने बाद से आपको आ जाना है कलर्स में। कलर में आने के बाद से यहाँ पे देखो कलर रिप्लेस किया है, उसको आपने बैकग्राउंड में छोड़ देना है। तो इतना करने बाद से आप चाहो तो यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद हो उन सभी कलर्स में से जो भी आप चूज करके रखना चाहो अपने फ़ोटो पे उसको रख सकते हो। सिंपली से उसके बाद से डन कर लेना है। डन करने बाद से अब आपको फिर से थोड़ा सा बैक आना है और स्टिकर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक लाइन का PNG चाहिए जो यहाँ पे है, उसको डुप्लीकेट करके डबल कर लेना है और दोनों को आपको नीचे के साइड में लगा देना है जहाँ पे भी आप लगाना चाहो। अगर आपको फ़ोटो में स्पेस है तो लगा सकते हो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल देख सकते हो मैंने उन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया। फिर आपको आना है टूल्स में आना है, एडजस्ट में आना है, फिर सेचुरेशन जो है उसको कम कर देना है, इरेजर टूल पे क्लिक करना है, इनवर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने फेस पे ब्रशेस करना है। जैसे आप अपने फेस पे ब्रशेस करोगे तो देखो आपका फेस अच्छी तरीके से वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड में वही कलर रह जाएगा जो आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो इतना करने बाद से आप देख सकते हो हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है गाइस। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने अपना फोटो को एडिट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।